हेलो, वेलकम टू मॉडर्न लाइफ हैक्स। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इट्स अ मेजर डिजीज अफेक्टिंग यंग फीमेल्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड प्रेजेंटली बिटवीन 14 टू 45 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूथ टू अंडरस्टैंड दिस पीसीओडी एट इट्स ऑनसेट along with the causes and implications in the future. PCOD mein there are multiple small cysts in the ovaries, and some of the causes of PCOD are unhealthy and sedentary lifestyle and pollution, etc. Symptoms of PCOD include irregular periods, heavy bleeding, facial and body hair growth, then stubborn acne, uncontrolled weight gain around the waist area especially, pigmentation, infertility, and the list goes on and on. You can have one or all of these symptoms. A person may be lean and have a clear skin, but still suffer from PCOD. Uncontrolled PCOD can lead to numerous problems, such as problem in conceiving and risk of diabetes, etc. The full cure is yet to be determined for PCOD. This disease is to be controlled by making lifestyle changes. So today I've brought a simple yet effective acupressure treatment which will help you immensely. Here we go. ये हमारे पेशेंट का राइट हैंड है और ये राइट हैंड की फर्स्ट टू फिंगर्स है जिसके ऊपर या सेंटर में राइट ओवरी आएगी और बाकी की दो फिंगर्स के बीच में लेफ्ट ओवरी आएगी। सिमिलरली दूसरे हैंड में भी हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ये लेफ्ट हैंड है पेशेंट का, तो लेफ्ट हैंड की फर्स्ट टू फिंगर्स के यहाँ आएगा लेफ्ट ओवरी एंड बची दो फिंगर्स में ऑटोमेटिकली राइट ओवरी हो जाएगी। तो अब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं राइट हैंड में पेशेंट के। तो ये फर्स्ट टू फिंगर्स के बीच में यहाँ आएगी राइट ओवरी। दो फिंगर्स के बीच में जो लाइन आती है ना सेंटर में, एंड फिंगर्स जहां जुड़ती है बिल्कुल उसके ऊपर हमें यहाँ राइट ओवरी है हमारी। एंड हमें वो पॉइंट लेना है जो बहुत ही पेनफुल होता है, जहां पेन होगा वो लोकेशन प्रॉपर है। ये देखो यहाँ ओवरी है, अगर यहाँ पेन है देन एकदम करेक्ट है। तो हमें पहले यहाँ 2 से 5 मिनट हम इसे स्टिमुलेट करेंगे, फिर एज पार्ट ऑफ कलर थेरेपी हम यहाँ पे रेड कलर से मार्क करेंगे। ये देखो मार्क कर दिया। एंड एज पार्ट ऑफ सीर थेरेपी हम ये काली मिर्ची जो मैंने पेपर टेप पे लगाई हुई है, ब्लैक पेपर सीड, हमें बिल्कुल रेड कलर के मार्क के ऊपर लगा देना है। एंड ये सीड थेरेपी हमें रात में ही करना है। कलर थेरेपी एंड स्टिमुलेशन हम दिन में भी कर सकते हैं, तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये हमारा राइट ओवरी का ट्रीटमेंट हो गया है, या मैं आर लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब वैसे ही सिमिलरली हम दूसरी दो उंगलियों की लाइन के बीच में यहाँ सेंटर में पॉइंट लोकेट करेंगे लेफ्ट ओवरी का। ये देखो ये पॉइंट है। अब यहां मैं 2 से 5 मिनट स्टिमुलेट कर दूंगी और फिर एज पार्ट ऑफ कलर थेरेपी मैं यहाँ पे रेड कलर मार्क कर दूंगी एंड उसके ऊपर एज पार्ट ऑफ सीड थेरेपी मैं ये ब्लैक पेपर लगा दूंगी। ऐसे ये हो गया हमारा लेफ्ट ओवरी का ट्रीटमेंट। ये हमारा ओवरीज का ट्रीटमेंट हो चुका है। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड ढूंढेंगे और वो हमारे थंब में होता है, दोनों हाथों के थंब में। आप कोई भी हाथ ले सकते हो। यहाँ हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ये थंब के सेंटर में, ये रहा ऊपर वाले पार्ट के सेंटर में बिल्कुल। आप पेंसिल का ब्लंट साइड भी यूज कर सकते हैं या पेन का। तो हमें इसे अच्छे से स्टिम्युलेट करना है एंड एज पार्ट ऑफ कलर थेरेपी हम यहां पर ग्रीन कलर करेंगे। और हम इस पर लगा देंगे मूंग सीड थेरेपी।
जहां कलर किया है वही मूंग लगाएंगे एंड स्टिम्युलेट करना है। सीड थेरेपी रात में करेंगे। अब थर्ड पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट में हमें मुट्ठी बना लेनी है। मुट्ठी को बंद कर लो एंड दो नकल्स के बीच में एक पॉइंट बना लेना है हमें पहले। ये देखो बीच में, दो नकल्स के बीच में हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया है और इसके ऊपर रिस्ट पे आ जाओ। अब रिस्ट पे जहां आपको खड्डा मिलेगा वहां दूसरा पॉइंट बना लेना है, मार्क कर लेना है हमें। देखो यहां पर अब इन दोनों पॉइंट के बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हमें एक लाइन बना लेनी है रेड कलर मार्कर से। थोड़ा थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, इस तरह से कर देना है। जब आप पॉइंट्स लोकेट करते हैं तो पहले आपको उसे स्टिम्युलेट करना पड़ता है 2 से 5 मिनट, फिर कलर थेरेपी। एंड अब ये रेड लाइन खींचने के बाद इसके आजू बाजू, इसके सराउंडिंग एक ग्रीन मार्कर से हम बॉर्डर बना लेंगे जो दोनों पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा। इसीलिए हमने गैप छोड़ा था कि ग्रीन मार्कर आ सके आराम से। ये देखो ये हो गया हमारा कलर थेरेपी। अब एज पार्ट ऑफ सीड थेरेपी हम इस एरिया में पीज लगाएंगे, मटर के दाने, जो ये एरिया कवर कर पाए। देखो यहाँ पे मैंने पेपर टेप ऐसे वाइड करने के लिए दो पेपर टेप लगाई है, ऐसे ओवरलैपिंग करते हुए ऐसे चिपका दी है, क्योंकि मैं तो एक में लगा पाऊंगी लेकिन जो बिगनर्स है वो नहीं लगा पाएंगे, तो आप लोग ऐसे कर लेना। ये देखो एंड ये हमें रिस्ट से लगाना है ऐसे, इस तरह से। तो ये हमारा थर्ड पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट हो गया है। सीड थेरेपी से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। हेल्थ इज नॉट वैल्यूड अंटिल सिकनेस कम्स। ओके, सो डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड माय नेक्स्ट एक्यूप्रेशर वीडियो इज गोना बी अबाउट कोल्ड एंड कफ, सर्दी एंड जुकाम। सो टेक केयर एंड वेट फॉर माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।